हेलो माय लव्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड अगर आप ऑलरेडी चैनल के पार्ट हैं देन थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक टू माय वीडियोस। नाउ अगर आप लोगों ने मेरा पहला होम डेकोर हॉल नहीं देखा जो इस मंथ के मैंने स्टार्टिंग में किया था, एक्चुअली ये वीडियो जब आएगी तब तक नेक्स्ट मंथ आ चुका होगा, सो लास्ट मंथ के स्टार्टिंग में किया था, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है देन डू चेक दैट आउट। मैं उसका लिंक जो है यहाँ पे आई बटन पे डाल दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से ट्राई की हैं, बट दिस वीडियो इज मोर अबाउट Amazon। मैंने काफी सारी चीजें ली हैं जो मैंने Amazon से ली हैं, एंड दिस वीडियो इज मोर अबाउट लाइक ऑर्गेनाइजिंग एंड देर आर सम डेकोरेटर स्टफ्स एज वेल। सो यस, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड जस्ट अ क्विक डिस्क्लेमर दैट आई एम सेटिंग अप माई रूम फ्रॉम स्क्रैच, तो दैट्स वाई जो भी आपको चीजें सारी दिख रही हैं, काफी सारी चीजें हैं जो नई हैं, और यही रीजन है कि आपको इतनी सारी सारी नई नई चीजें दिख रही हैं। सो yes, let's not wait, let's get into this video. Okay, so to make this video easier for me and for you as well, मैंने अपना फ़ोन खोल लिया है एंड उसमें से मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मैंने AC लिया था रिसेंटली, हायर का AC लिया था। इसके बारे में मैं कुछ ऐसे रिव्यूज़ नहीं दे सकती हूँ बिकॉज AC अभी रिसेंट लगाया है और अच्छा ही चल रहा है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में एक और हायर का AC है एंड जो कि काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, मतलब लिटरली उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आया, टच वुड। और अभी हमने रिसेंटली एक हिताची का AC लिया था जिसमें 3 महीने में शायद हम लोग पता नहीं कितनी बार सर्विस सेंटर कॉल कर चुके हैं सर्विसिंग के लिए, कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है, पानी लीक हो रहा है, गैस लीक हो रहा है, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने रूम के लिए ली थी वो ये थी। मैं इन केस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं यहाँ पे उसका पिक्चर डाल दूंगी, उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ली है वो है ये विकी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। ये बिल्कुल आइकिया के ड्रॉर की तरह ही दिखती है, इसमें 4 ड्रॉर्स हैं और इसका जो कलर है वो फ्रॉस्टी वाइट कलर में है। द प्राइस आई बॉट दिस वन फॉर इज 7,000 रुपीज़, 6,999, एंड यस दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ओके, सो दिस इज़ हाउ द ड्रॉर लुक्स। बेसिकली ड्रॉर ओवरऑल अच्छी है इफ़ यू गाइज कैन सी, ओके इन केस यू गाइज आर वंडरिंग। सो अभी मेरा रूम सेटअप नहीं हुआ है, सो ये जो नॉब्स आप देख रहे हैं ये मैंने अलग से इसमें लगवाए हैं, ये भी अमेजोन से ऑर्डर किए हैं, इनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल जो ड्रॉर की क्वालिटी है दैट इज़ ओकेश, ओके। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ दिस ड्रॉर इज़ कि जो एक्चुअली मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, बट जिन्होंने असेंबल करी है, मतलब दो ये मैंने 80% खुद असेंबल करी है, बट स्टिल आई टुक सम हेल्प फ्रॉम द इलेक्ट्रीशियन भैया, वो हमारे यहाँ 12 साल से आ रहे हैं तो उन्हीं से हम सारे काम कराते हैं, तो उनसे मैंने थोड़ी सी हेल्प ली थी। तो ही टोल्ड मी कि ये बेसिकली ना जिस मटेरियल की बनी हुई है दैट इज़ लाइक जब वुड को काटते हैं तो उसका कुछ वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, तो ये उस मटेरियल से बनी हुई है, तो वेस्ट जो मटेरियल है उससे बनी हुई है बेसिकली। तो अगर आप मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाती हूँ तो इट्स गोना शेक अ लिटिल बिट, तो वो है इसका। बाकी ओवरऑल इट्स अ नाइस लाइक पीस एंड डेफिनेटली 5 आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या प्राइस था, बट ऑब्वियसली स्क्रीन पे आप प्राइस देख सकते हैं, बट उतने प्राइस में आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड येस दैट्स द ड्रॉर, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स आई गॉट। Only thing which I want to include apart from the description, whole description I gave it to you, इस drawer को आने में थोड़ा सा क्या काफ़ी टाइम लग गया था बिकॉज ये गलत डेस्टिनेशन पर reroute हो गई थी, सो दैट्स दैट। उसके बाद मैंने जो सेकेंड चीज़ ली थी वो है ये RJ कार्ट का वुडन, what do we call it, wooden furniture. This is a 5-tier bookcase, ladder, shelf, room organizer, you can call it anything. Now this is priced at 5,000 rupees. मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, शायद ये 3,500 और 4,000 में मिल जाती मुझे अगर मैं थोड़ा सा और सर्च करती तो, बट दैट्स फाइन। ओवरऑल जो उसकी क्वालिटी है वो सब अच्छी है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स ओवरऑल। बेसिकली कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, आई मीन ये मेरे शोल्डर पर भी नहीं आती है एंड आई एम 5'2.5", तो हाइट इसकी काफ़ी कम है। नाउ द मेन पार्ट इज़ कि जो इसका दोनों शेल्फ यूनिट हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, लाइक उनके बीच की जो हाइट है वो काफ़ी कम है, ठीक है।
तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी आप पीसेस ले रहे हैं वो काफ़ी छोटे हों. इसके लिए जैसे ये नॉर्मल साइज़ की बुक है तो ये इसमें आ गई है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको और क्या दिखाती हूँ. अच्छा वेट, जैसे अगर मैंने नीचे हील्स रखी हुई हैं तो इतना, मतलब इतना इसका हाइट होता है. ठीक है, तो सबका हाइट बराबर ही है ऑलमोस्ट. नाउ बिकॉज मुझे ऊपर ये प्लांट रखना था एंड आई वॉन्टेड टू कीप माई बैग हियर, तो आई हैव टू यू नो गेट दिस, लाइक यहाँ पे एक और शेल्विंग यूनिट थी जिसको मैंने हटा दिया जस्ट टू गेट सम हाइट एंड सो दैट आई कैन कीप माई थिंग्स ओवर हियर. तो वो मैंने हटा के अलग रखी हुई है, बट बाकी इसमें ओवरऑल आई गेस फाइव यूनिट्स हैं, फाइव शेल्व्स हैं जिनमें आप रख सकते हो. एंड जो सबसे बॉटम का है उसमें सबसे ज़्यादा विड्थ है उसकी, एंड देन जैसे जैसे ऊपर आते हैं वैसे वैसे विड्थ इसकी कम होती रहती है. तो ऊपर वाला आप देख सकते हो काफ़ी लाइक पतला शेल्फ है, बट बाकी ओवरऑल इसकी असेंबली वॉज सुपर ईजी. लाइक इट टुक मी लाइक अराउंड आई गेस 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, और ये पूरा असेंबल हो गया. और पैकिंग भी बहुत अच्छे से, इसका पैकेजिंग एंड एवरीथिंग वॉज ग्रेट एंड बहुत अच्छे से आई थी. कहीं से भी कुछ डेंट नहीं है, कुछ ख़राब नहीं है, तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी अच्छी है एंड इट वॉज वेरी ईजी टू असेंबल एंड आई थिंक इट्स वर्थ द प्राइस. बिकॉज आप नॉर्मल किसी मार्केट में जाके लेंगे तो शायद आपको उस प्राइस सेम प्राइस में मिल जाएगी, बट डेफिनेटली अगर आप वो सब हासिल से बचना चाहते हैं, यू डोंट वॉन्ट टू गो आउटसाइड एंड यू वॉन्ट टू ऑर्डर एवरीथिंग एट होम, then definitely you can get this one. Next जो मैंने लिया था वो लिया था wooden lamp. Now this wooden lamp is wooden lab premium floor lamp natural finish with 3-level decorative shelf. इसके अंदर 3 decorative shelf हैं. It's in cotton white color and the price it retails for is 3240. Totally worth the money. Like मुझे लगता है शायद आप लोग देखने से ऐसे सोच रहे होंगे कि महंगा है, but it is totally worth the money. So this is how the lamp looks like. So yes, this is one of the best purchases I've made from Amazon. I'm really liking the piece and ye bhi pura like aapko assemble karna padta hai, hardly took 5-7 minutes, I don't remember exactly. Kafi din ho gaye isko aaye hue, but yes, overall it's a nice piece. Jo iska wire hai that's not that long, but yes, it's pretty long, like you can see this long, and they have like one लाइक ऑन ऑफ स्विच हेयर एज वेल. सो मैं यूजली क्या करती हूँ कि उसको वहाँ वाले प्लग से ऑन रखती हूँ हमेशा, एंड देन आई जस्ट स्विच इट ऑन एंड ऑफ बेड से ही आराम से. सो दैट हाउ इट लुक्स. एंड इसके साथ बल्ब आया था जो इसका ये है. इस पर अभी पॉलीथिन लाइक चढ़ा हुआ है इस पर, तो मैंने अभी हटाया नहीं है बिकॉज अभी फ़िलहाल भी पेंट और बाकी सारी चीज़ें कम्प्लीट नहीं हुई हैं मेरे घर में. सो आई एम प्लानिंग टू कीप इट फॉर सम टाइम एंड देन आई रिमूव इट बिकॉज इट्स वेरी लाइट कलर. जो लैम्प का कलर है दैट्स रियली लाइट. और वन मोर थिंग, जो इसका जो वुड है दैट गिव्स यू अ वेरी रॉ फील, मतलब विच आई एम लाइकिंग ऑब्वियसली. एंड यस दैट्स दैट. एंड आप इसमें 3 शो पीसेस आराम से रख सकते हैं. आई एम लाइक ऑब्सेस विद प्लांट राइट नाउ. आई जस्ट वॉन्ट टू, बिकॉज माई होल रूम इज वाइट, सो आई वॉन्ट टू यू नो add greenery and little bit of color here and there. You can see my cushion, like my pillow is also red, so that's that, you know. नाउ इसके बाद, मतलब ये जो थे थोड़े बड़े पीसेस मैंने लिए थे. इसके अलावा मैंने, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने क्रिएटिव आर्ट एंड फ्रेम का ये मिरर मंगाया था. अब इस मिरर के साथ क्या प्रॉब्लम आई और इससे मैंने क्या सीखा है, मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ. तो ये मिरर मैंने एक बार मंगाया था. इससे पहले मैं कौन सा ब्रांड है, पेपर फ्राई से मैं एक राउंड मिरर मंगा चुकी थी जो कि टूटा हुआ आया था. ठीक है, तो मैंने उसको रिटर्न किया, उसके पैसे एक्सचेंज होके आ गए. उसके बाद मैंने ये वाला मिरर मंगाया, ये मिरर टूटा हुआ आया, मैंने इसको एक्सचेंज के लिए भेजा, मैंने रिप्लेसमेंट मंगाया इसका. जो दूसरा मिरर आया वो भी टूटा हुआ आया, मैंने फिर से इसका रिप्लेसमेंट मंगाया, और जो तीसरी बार मिरर आया वो भी टूटा हुआ आया. कैन यू इमेजिन, मतलब 3 बार मिरर आया और तीनों बार टूटा हुआ आया. गुड थिंग इज कि रिप्लेसमेंट तुरंत हो रहा था इसका. नाउ ये जो प्राइस था इसका वो अराउंड 4500 था, करंटली अनअवेलेबल आ रहा है, जिसकी वजह से वन सेकेंड लेट मी जस्ट टेल यू द प्राइस एज वेल. हाँ, दिस वॉज फॉर 4499. नाउ जब इतना सब मेहनत हो गया और मुझे फाइनली मिरर नहीं मिला, मैंने क्या करा, मैंने अपने पास के कौन सी शॉप्स होती हैं वो जहाँ पे भी मिरर वगैरह मिलते हैं, मैं उन शॉप पे गई, मैंने जाके पता किया, सेम साइज़ का मिरर मुझे 1600 में मिल गया. कैन यू इमेजिन, मैंने उसकी क्लिप डाल दूंगी जो मिरर जैसा दिखता है, मुझे 1600 में मिल गया, मतलब मैंने 3000 रुपये बचा लिए.
वाओ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं शायद भगवान चाहते थे कि मैं अपने 3,000 एक्स्ट्रा वेस्ट ना करूं, और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है मिरर, मतलब वैसा ही इसका सब कुछ फ्रेम वगैरह है। अगर आप किसी भी शॉप पे जाएंगे एंड फिर आस्क कि आपको व्हाइट कलर में फ्रेम चाहिए, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं, बट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का फ्रेम चाहिए, बिकॉज माई लाइक द वाइब ऑफ दिस रूम इज ऑल वाइट, तो मुझे वाइट ही कलर चाहिए था, दैट्स वाई गॉट वाइट वन, बट डेफिनेटली आप किसी भी कलर में ऑप्ट कर सकते हैं। एंड यस, यू कैन सेव योर मनी, डोंट बाई फ्रॉम अमेजॉन मिरर, तो स्पेशली मत खरीदिए बिकॉज टूटे हुए ही। अनदर पीस विच आई गॉट फ्रॉम अमेजोन इज दिस लाइक अ मूविंग शेल्फ। तो बेसिकली इसमें इस टाइप के 4 यूनिट्स हैं, आप इनमें मतलब हमारे पास जो कंटेनर्स है, ये कंटेनर्स भी बेसिकली हमने अभी न्यू खरीदे हैं, तो ये 4 कंटेनर्स आ रहे हैं और इसका साइज इज़ लाइक क्वाइट गुड, ठीक है। तो काफ़ी मतलब थोड़ा सा तो क्लमजी है बट ठीक है, मतलब थोड़ा सा आपको इस टाइप से रखना पड़ेगा, बट द गुड थिंग अबाउट दिस वन इज़ कि जो बहुत ही अगर आपके पास कॉम्पैक्ट स्पेस है तो उसमें आराम से ये एडजस्ट हो सकते हैं। एज़ यू कैन सी हमारे फ्रिज के साइड में थोड़ा सा स्पेस था तो हमने उसी में इसको एडजस्ट किया हुआ है, एंड मूवेबल है, नीचे इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, सो यू कैन जस्ट मूव इट अराउंड हेयर एंड देयर एनीवेयर, एंड यस दैट्स दैट। ओके, सो अनदर पीस विच आई गॉट, दिस इज़ अगेन फॉर स्टोरेज। सो बेसिकली इस टाइप का ये है, इसमें 12 कंपार्टमेंट्स हैं इन विच यू कैन ऑर्गनाइज योर इयर रिंग्स, योर नेकलेसेज एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू, एंड ये प्रॉपर लेड के साथ आता है। तो मैंने जो टॉप पे था उसका जो कवर है वो हटा के रखा हुआ है बिकॉज आई वॉन्टेड टू लाइक सी एवरीथिंग, एंड नीचे वाला इज़ नॉट फुल येट, बट जो आपके हुप्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, अगर आप दो हुप्स इसके एक साथ रखेंगे तो डिफिकल्ट होगा, बट अदरवाइज इट्स अ नाइस, वेरी नाइस क्वालिटी, मतलब आई एम रियली हैप्पी विद दिस परचेज, एंड इट वाज वेरी इनएक्सपेंसिव, मतलब ये 300 से कम था, मतलब उससे तो सस्ता ही था आई एम वेरी श्योर, बट येस दिस इज रियली नाइस, एंड अगर आप अपनी इसकी वैनिटी पे या कहीं पे भी रखेंगे तो इट्स गोना लुक रियली नाइस। एंड एज यू कैन सी नीचे भी मतलब काफ़ी अच्छा कुछ मटीरियल, आई थिंक पेपर लगा हुआ है या जो भी लगा हुआ है, बट येस ओवरऑल इट्स लुकिंग रियली नाइस, एंड वाइट कलर में है, लाइक इट्स इन अ क्रीमिश लाइक अ लिटिल डल काइंड ऑफ वाइट, बट येस दैट्स रियली नाइस एंड स्टर्डी पीस। ओके, अनदर थिंग विच आई गॉट फ्रॉम अमेजोन इज दिस ट्रे, नाउ दिस इज इन लाइक वेलवेट टेक्सचर, और बेसिकली ये मैंने अपने वॉच रखने के लिए मंगाया है, तो ये जो साइज़ है ये छोटा, बिकॉज आई थिंक ये 2 का पेयर था या फिर शायद इंडिविजुअली मैंने लिया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इन्फॉर्मेशन विल बी ऑन द स्क्रीन, डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये मैंने लिया था, तो ये वाला मैंने वॉच के लिए लिया था, एंड देर इज़ अनदर वन, लेट मी जस्ट शो यू, जिसमें मैंने अपने शेड्स वगैरह रखे हुए हैं। सो येस काफ़ी मतलब ड्यूरेबल तो है ही, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं हो सकता, अच्छा मटेरियल है ट्रे का, और गुड थिंग इज़ कि जो आपके वॉचेस वगैरह होती हैं वो थोड़ा सा मतलब कहीं स्क्रैच ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, उस तरीके से इस मटेरियल पे रखना इज़ रियली नाइस। यस, सो दैट्स फॉर दैट पर्पस, एंड डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द गुड परचेज, एंड आई वुड रिकमेंड दिस, एंड अगेन वन ऑफ द गुड इनएक्सपेंसिव परचेज, एंड इनएक्सपेंसिव जब चीज़ें मिलती हैं ना तो एक अलग ही सुकून आता है। एंड गाइज आई एम शोइंग यू few of the things like that, मतलब proper ऐसे sit down करके नहीं देख रही हूँ, because ये सब चीज़ें मैंने तब नहीं shoot करी थी, and मैं भूल गई, and उसके बाद मुझे बाद में जब मैं editing करती हूँ तो मुझे realize होता है, या मैं जब Amazon पे अपना सारा देख रही थी कि मैंने क्या क्या खरीदा, तो मुझे realize हुआ कि oh god I forgot so many items, so that's why वो अलग से include किए हुए हैं इस video में। So yes, enjoy. Now I'm getting a little bit comfortable here, but what can I do? Okay, so next thing जो मैंने मंगाई थी वो थी ये इलास्टो प्रो वाटरप्रूफ मल्टीपर्पज, what do we call it, strong EVA, whatever it is. Now ये मैंने जो ड्रॉस वगैरह हैं उनमें नीचे, बिकॉज गंदा हो जाता है और फिर डस्टिंग ये सब करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैंने ये ड्रॉस में नीचे बिछाने के लिए या कहीं भी कवर्ड वगैरह में नीचे वो करने के लिए मंगाए थे। नाउ दिस वॉज फॉर 600 rupees. नाउ आई वुड से इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, बिकॉज तो इसमें लिखा हुआ है 60 cm 5 meter इसमें आता है, बट 5 meter यार इनफ नहीं होता, मतलब ये 4 जो चेस्ट ऑफ ड्रॉस मैंने आपको दिखाई, ये 4 ड्रॉस और 1-2 ड्रॉस में और लगा के ये ख़त्म हो गया, मतलब हार्डी कितना बचा होगा, तो इनफ नहीं था, और 600 में थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा मुझे, बिकॉज अगर मेरा सारा अलमीरा वगैरह सब कवर हो जाता तो शायद मेरे को वर्थ लगता, बट ठीक है, ओवरऑल जो उसका क्वालिटी था वो काफ़ी अच्छा था, और जो मटेरियल है जिसकी वजह से ये अच्छे से ग्रिप करता है, मतलब चीज़ें आपकी फिसलिंग ही नहीं, वो काफ़ी अच्छा था।
ओके सो उसके बाद मैंने ये मिनीसो से क्या मंगाया था, मिनीसो स्टोरेज ऑर्गेनाइजर फॉर ऑफिस एंड किचन. सो ये थ्री इस टाइप के इसमें वो आते हैं, मतलब ट्रेज आती हैं अलग अलग साइज के. तो एक ये वाला है, देन एक छोटू है और एक है ये वाला साइज. तो ये एक रेलिक लाइक ट्रांसपेरेंट वो है आपके ट्रेज हैं. नाउ बेसिकली मैंने ये दो सेट मंगाया, मतलब मेरे पास छः पीसेज हैं इसके. काफ़ी मुझे यूजफुल लगे बिकॉज इंडिया में ना उतने अच्छे ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर है नहीं. मतलब मैंने जो देखे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लाइक अलीबाबा वगैरह पे मैंने देखे थे एंड सीरियसली 6,000-7,000 रुपीज़ के थे, जो कि बिल्कुल भी वर्थ नहीं है. अगर आपको अपना मेकअप वगैरह ऑर्गेनाइज करना है तो यू कैन ऑप्ट फॉर दीज काइंड ऑफ स्टोरेज ऑर्गेनाइजर, बिकॉज मुझे प्लास्टिक और वो सब नहीं चाहिए था. आई वॉन्टेड समथिंग लाइक वेरी ट्रांसपेरेंट एंड जो ऐसे फील ना हो कि यू नो प्लास्टिक और ये सब डाला हुआ है. सो येस दैट्स दैट एंड ये काफी इनएक्सपेंसिव थे. ओके सो उसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैंने मिनीसो से मंगाई थी वो है ये वाली ट्रे. ये वाली ट्रे मुझे काफी अच्छी लगी. इनफैक्ट आई हैव फोर, ये शायद मैंने दो तीन तो अभी मंगाए, एक मेरे पास पहले से थी. और ये ट्रे मुझे काफ़ी अच्छी लगी. मतलब एक तो इसका जो साइड वाला पार्ट है वो थोड़ा सा यू नो फैंसी है और ओवरऑल काफ़ी स्पेशियस है. मतलब इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हो. तो मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ कि जैसे जो फेस पैलेट्स हैं वो इसमें रख दिए, ऐसे एक और ट्रे मंगाई उसमें आई पैलेट्स रख दिए. तो इस टाइप से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. तो जब आपके पास यू नो अच्छे ऑर्गेनाइजर नहीं है और जो अच्छे हैं वो काफ़ी महंगे हैं, तो आपको थोड़े सस्ते से ही काम चलाना पड़ेगा. ये शायद 350 कुछ ऐसे ही थे, 399 था. ओके उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर है ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे. मतलब आप ये भी मंगा सकते हैं रादर देन वो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स मंगाने के. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उसका जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब स्टर्डी मटेरियल है. एंड ये कौन सा ब्रांड है यार, आई डोंट नो ये कौन सा ब्रांड है. ये बेसिकली अगर आपको किचन वगैरह के लिए चाहिए तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे मेकअप के लिए तो ये परफेक्टली काम कर रहा है. मतलब यहाँ पे आप आराम से अपने पैलेट्स वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड ट्रांसपेरेंट. और काफ़ी बड़ा है, मतलब इसका साइज भी आप देख सकते हो कि इट्स प्रीटी बिग. यप दैट्स दैट. नाउ उसके बाद मैंने मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ रादर देन यू नो रिमूविंग एवरीथिंग. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये इस टाइप का होता है, आप इसको एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हैं. तो नीचे आप अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं एंड ऊपर आप लिपस्टिक्स रख सकते हैं. तो फिलहाल तो मैंने इसको ऐसे ही लिपस्टिक्स को अलग से रखा हुआ है और इसमें मैं अपना मिसलेनियस चीज़ें रखती हूँ. बिकॉज जो मिनीसो वाला ट्रे है उसका जो हाइट है वो थोड़ा सा कम है और इसमें चीज़ें थोड़ा स्टैंड, मतलब जिनको आप ऐसे खड़े करके रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं. तो ये मैंने एक और लिया था ऑर्गेनाइज़र. तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया था वो है ये. ये बेसिकली मैंने अपने कॉटन पैड्स, ईयरबड्स, कॉटन ये सब रखने के लिए लिया है. नाउ स्पेसिफिकली मैंने, मुझे चाहिए था कि मैं ये बंद वाला लूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कॉटन पैड्स, बिकॉज आप अपने फेस के लिए यूज़ करते हैं, मैं नहीं चाहती कि फेस पे यू नो बिकॉज डर्ट, कितना भी आप यार कितने भी बंद कमरे में रह लो मतलब धूल मिट्टी आ ही जाती है. तो ये मैं अपने वॉशरूम में रखती हूँ एंड मैं चाहती थी कि ये कवर्ड हो. और काफ़ी अच्छा मटेरियल है, मतलब मिनीसो के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका मटेरियल, मतलब अगर आप प्राइस से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा है. डेफिनेटली आप जितना ज़्यादा प्राइस देंगे आपको उतनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बट जिस प्राइस में मिनीसो में बिकता है सामान वो मुझे लगता है कि वर्थ होता है. कुछ चीज़ें नई भी होती हैं, मतलब अब आप ऐसे इंपल्सिव परचेज मत करिए वहाँ पे कि जाके यू नो ये भी पसंद आ गया वो भी पसंद आ गया. बट यस, अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोच के लेंगे चीज़ें तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको इनएक्सपेंसिव मिल जाएंगी. तो ये इस टाइप से है और इसमें बीच में पार्टीशन भी है, मतलब बेसिकली एक कंपार्टमेंट ये है और इधर दो कंपार्टमेंट्स है. तो आगे मैंने ईयरबड रखे हैं, पीछे कॉटन रखे हुए हैं और इधर कॉटन पैड्स हैं एंड जो इसका क्लोजर है वो भी काफ़ी स्टर्डी है. सो यस दैट्स दैट. ओके उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ली है वो है ये ट्रे. इसको मैं हटा के दिखाना है, लाइक रियली इम्पॉसिबल, बट मैं जस्ट शो यू ऐसे ही. This really heavy. So this is the kind of tray I have. मैं इसका picture आपको insert कर दूँगी और इसके बारे में मैं दो तीन चीज़ें आपको बता देती हूँ. First of all, जो very important चीज़ है वो ये है कि जो इसका material है वो okay-ish है, ठीक है, glass की बनी हुई है तो वो अच्छी, वो ठीक ठाक है. बाकी it is very spacious, मतलब इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी. अगर आप perfume के लिए ले रहे हैं तो definitely आपके काफ़ी सारे perfume आ जाएंगे. Apart from that, जो इसका gold आपका outer boundary है, that is more like a rust gold, ठीक है. तो आपका ऐसे shiny वाला gold नहीं है, which is nice.
बिकॉज आई डोंट माइंड यू नो हैविंग रस्ट गोल्ड अराउंड. मुझे ऐसे शाइनी वाला गोल्ड से कोई इंटरेस्ट नहीं है. बट येस मुझे रोज गोल्ड नहीं चाहिए था. रोज गोल्ड में भी शायद ऑप्शन थे. इससे पहले मैंने एक और मंगाई थी, वो काफ़ी छोटी थी. उसमें काफ़ी मतलब मुझे लगता है 4-5 ही परफ्यूम आ रहे थे. तो अगर आपको थोड़ा सा बड़ी ट्रे चाहिए देन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन रादर देन गोइंग फॉर दिस वन. पिक्चर विल बी हियर एंड यस. ओके तो नेक्स्ट चीज जो है गाइज डू लेट मी नो अगर आपको ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है इस टाइप से दिखाना. मैं छोटे छोटे क्लिप्स तो इंसर्ट करी हूँ डेफिनेटली ताकि आपको एक क्लोजर व्यू मिल जाए. बट बिकॉज सारा चीज़ें यहीं पर रखी हुई हैं तो मैं सोच रही हूँ ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको. नेक्स्ट जो चीज़ मैंने मंगाई थी वो है मिंत्रा से ये वॉल पेंटिंग्स, नॉट पेंटिंग, वॉल आर्ट जो भी बोल सकते हैं आपको, फ्रेम्स एक्चुअली. नाउ इनका जो प्राइस था वो अराउंड 450 या 470 समथिंग था. मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ. एक और ब्रांड है जिसका मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी लेना. क्यों? और इसका मैं सजेस्ट कर रही हूँ दो. ये भी मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट कर रही हूँ. मैंने ऐसे 5 फ्रेम्स मंगाए थे. वीडियो क्लिप विल बी यू नो हियर. इस टाइप के फ्रेम है तो ये तो ठीक है नॉर्मल मटेरियल है. जो इसका कवर है ना, यहाँ पे जो कवर है ये बेसिकली आई थिंक इट्स ग्लास शीट. इट्स नॉट एक्चुअली ग्लास, ठीक है. तो ग्लास शीट है ये. तो बेसिकली इसके साथ मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. अगर ये शायद 250 में भी शायद मिल, मतलब इतना ही शायद वर्थ होना चाहिए इसका. 250 उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बट ठीक है, आप भी बाहर नहीं जा सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं. तो ठीक है, जो मिल रहा था वो ले लिया. बाकी एक और ब्रांड जिसपे इसी टाइप के आपको फ्रेम्स मिलेंगे बट उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ना कोई ग्लास शीट नहीं होती है. तो बेसिकली जब आपका गंदा होगा, धूल जाएगी, तो वो आपका पेपर पे बैठेगी. एंड इमेजिन यार, आप फ्रेम लगा रहे हो उसके ऊपर ग्लास ही नहीं है, मतलब पेपर है, पेपर है, ऐसे आप हाथ से पेपर निकाल सकते हैं. तो डोंट गो फॉर दैट. मतलब मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप वो ना खरीदें. बट अगर आपको फ्रेम का कोड बहुत पसंद आ रहा है तो आई डोंट नो, मे बी यू कैन गेट इट प्रिंटेड समवेयर एंड गेट इट फ्रेम्ड अगर आपको उस टाइप से चाहिए. बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी. ये ब्रांड फिर भी ठीक है. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ हो. बिकॉज कितना भी कोशिश कर लो यार, हॉल वीडियोज़ लंबी हो ही जाती हैं. मतलब मैं इतना कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी हॉल वीडियोज़ को ख़त्म करूँगी. आई शो यू एवरीथिंग एंड जस्ट यू नो keep it short and simple and crisp. But no, that's not possible with all videos. But anyway, if you like this video, give this video a big thumbs up and subscribe kare bina mat jao yaar channel. Matlab come on yaar, if you're watching my videos again and again then you must be liking something. Then please subscribe to my channel and I'm gonna see you in my next video. Till then take care, bye bye, and please come back to my channel. See ya.